हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ प्रियांशी। आज मैं और मेरी मम्मी बेसिकली हम दोनों मार्केट जा रहे हैं फॉर सम शॉपिंग। तो मार्केट का नाम होगा सदर। सो यस, यू हैव हर्ड राइट। सो हम वहाँ पे जा रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या न्यू कलेक्शन है वहाँ पे और हमने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे खरीदी, वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, मैंने ये स्वेटर डाला है विद दिस बेल्ट, इसी की बेल्ट है ये बेसिकली। सो जस्ट देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मसाले मिलते हैं, मतलब जितने भी आपके स्पाइसेस होते हैं वो सब यहाँ पे अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। और ये मार्केट है पूरी, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है सदर बाज़ार मार्केट और बहुत अच्छे कम रेट में भी सामान मिल जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। अगर क्वालिटी बहुत बेकार सी है तो बहुत सस्ता भी मिलेगा, और क्वालिटी थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छी क्वालिटी है तो आपको लेकिन रीज़नेबल प्राइस में, मार्केट से लेके रीज़नेबल प्राइस में आपको सामान मिल जाता है। तो यहाँ पे सारा कॉस्मेटिक्स, जितना प्लास्टिक होता है और जितना स्टेशनरी होती है, जितने कपड़े, मतलब कपड़े इन द सेंस थोड़े अलग टाइप के, ठीक है, टॉवल्स हो गए, स्टील हो गई, डेकोरेटिव आइटम्स हो गए एज़ यू कैन सी थ्रू दिस वीडियो। तो ये पिलोज़ हो गए, टॉयज़ हो गए, मैं बता रही हूँ बार बार। सो ये सब चीज़ें ही आपको काफ़ी सारी रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस रास्ते के थ्रू जा रहे थे तो वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो इस शॉप से हमने अपना ग्रास कारपेट लिया है, तो हम देख रहे थे कि किस क्वालिटी का है, कैसा है। तो वहाँ पे जो दिखाने वाले थे उन्होंने हमें बहुत तरीके के ग्रास कारपेट्स दिखाए, तो अकॉर्डिंग टू देयर प्राइजेज एंड क्वालिटीज़ उनके प्राइस होते हैं। तो जिस तरीके आप हैवी लोगे तो हैवी में मिलेंगे आपको, वो बिल्कुल एक तरीके से रोड पे बिछाकर आपका नाप लेते हैं, काटते हैं जितने स्क्वायर फीट में आपको होता है। ग्रास कारपेट पूरा ले लिया है और आपको पता चलेगा आने वाले ब्लॉग में कि किस लिए लिया है, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं सदर में कुछ शॉपिंग के लिए, मतलब हमारे लिए कुछ भी चाहिए होता है जो पार्लर से रिलेटेड जो भी है, उस चीज़ के लिए हम लोग जा रहे हैं। सो मेरे साथ बने रहिए आप अंत तक। यहाँ से हमने मल्टीपर्पज़ बॉक्स लिया था, जैसे कि आप देखोगे भी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे बहुत रश है। पूछो मत के वाली गली का है, यहाँ पे पतली पतली गली है। तो अब हम आ गए बेसिकली मेन सदर बाज़ार मार्केट में, और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर सामान, कॉस्मेटिक का भी मिल जाता है, बट आई डोंट सजेस्ट कि आप कॉस्मेटिक्स का सामान लीजिए। क्रिसमस नियर है तो क्रिसमस का सारा सामान आया हुआ है यहाँ पे अच्छे से। तो ये जो मेहंदी जूड़े पे लगाते हैं, सॉरी जो ये जूड़ेज हैं, क्लचर है प्लास्टिक के साथ, तो वो भी यहाँ पे मिलते हैं काफ़ी रिजनेबल प्राइस में। अगर आपके नियर बाय आप रहते हो सदर बाज़ार के, सो यू शुड विजिट देयर। तो हम पे सामान ज़्यादा हो गया था, तो मम्मी ने ये बैग खरीदा क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, आपको पता ही है। सही बात, अभी देखो रश बहुत ज़्यादा, रश है। पैदल ही चलना पड़ेगा। कहाँ? नहीं नहीं नहीं, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हालत बहुत खराब। तो अब हम ऑटो कर रहे हैं, सामान तो हमने ले लिया ये, और ग्रास और लेनी हमें
तो हम याद हो गया, तो हमने पहले पैक करा लिया था, फिर हमने सोचा हाफ पेमेंट हम जाते टाइम कर देंगे, क्योंकि बहुत हैवी हो रहा था, इस वजह से हमने लास्ट में सोचा कि हम लास्ट टाइम जाते टाइम पे ले लेंगे, ठीक है। तो अब ये एक अंकल थे बहुत अच्छे, इन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, जो रिक्शा में थे उन्होंने ऑटो में हमारा ये रखाया, थैंक्स अलॉट अंकल अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। हम मिस्टर प्रिंस के लिए हम कुछ लेकर आए हैं, इसमें से डारा खोलिया जाए, खोला जाए, नो 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 डोंट क्लोज ओपन, सॉरी, हैप्पी मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, कैसा, अच्छा है, अच्छा है बहुत, गुड, नर्मी। तो गाइस सीन ये था कि हम पहले कहाँ गए थे, हम लोग सदर बाजार गए थे, तो फिर वहाँ से हमें ग्रास कारपेट चाहिए था मम्मी के पार्लर के लिए और वॉल्स के लिए, जब वो सेटअप हो जाएगा मैं आपको दिखा दूँगी। तो हमें सदर में वो बहुत, मतलब हमने पूछा तो मम्मी ने कहा कि ठीक है चलो ले लेते हैं, मैंने कहा मुझे वो कॉस्टली लग रहा है, उसका इतना क्वालिटी अच्छा नहीं था। तो सदर बाजार के पास ही पड़ता है आज़ाद मार्केट, तो वो इट्स वेरी फेमस फॉर कारपेट्स एंड ये सब चीज़ों के लिए, तो मैं सब मेंशन कर दूंगी जब मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी ये सब कि हमने कहाँ कहाँ से क्या लिया और क्या चीज़ें, उनके फ़ोन नंबर भी डाल दूंगी मैं, तो देख लेना। वहाँ से हमें ठीक ठाक रेट में पड़ गया, मतलब नॉट टू कॉस्टली एंड नॉट टू एक्सपेंसिव, सो देख लेंगे आप। तो गाइज हम आ गए हैं अभी और बहुत मैं थक गई हूँ, टाइम हो रहा है 6 बजने वाले हैं और मैं कुछ खाऊँगी पीऊँगी बिकॉज आई एम फीलिंग सो लो। तो सामान ये रहा और जो इसके अंदर सामान है आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, सो टिल देन मेरी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बस थैंक यू, बाय।